जी हाँ फ्रेंड्स, करीब एक साल होने को आ चुका है और जो एक पाई के नाम से कॉइन लिस्ट हुआ था, जो कि काफी सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हुआ, जिसमें बड़ी से बड़ी एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो हॉबी एक्सचेंज के ऊपर अभी 40% से भी ज्यादा वॉल्यूम है। और इस वॉल्यूम का अगर हम प्राइस देखते हैं लगभग $1,42,000 के आसपास बनता है, और बिटमार्ट के ऊपर लगभग 60% वॉल्यूम है, यानी कि देख सकते हैं दो एक्सचेंजेस के ऊपर टोटल वॉल्यूम है। और जो बिटमार्ट के ऊपर यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है, ये लगभग $2,05,000 के आसपास बनती है। तो हम देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली बिटमार्ट और STX के ऊपर लिस्ट हुआ। बाकी एक्सचेंजेस की बात करें तो इसमें बाइकॉनमी आता है, सुपर एक्स आता है, लेकिन इसके ऊपर कोई खास ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है। और इसी के साथ अगर हम डेक्स देखते हैं तो किसी भी डेक्स के ऊपर ये लिस्ट नहीं हुआ है। अब मैं इस वीडियो में आपको यही सब कुछ बताने वाला हूँ, क्या ये कॉइन रियल है या नहीं है। शायद बहुत लोगों का लगे कि हाँ, कि हमें पता ही है कि रियल नहीं है, या फिर हमें पता ही है कि ये रियल है और इसने वैल्यू भी दी है। तो ये मैं आपके सारे के सारे जो मिथ हैं वो सारे के सारे मिथ ब्रेक करेंगे, जो रियलिटी है उसको समझेंगे। क्योंकि जो पाई नेटवर्क ने एक ट्वीट किया था लिस्टिंग वाले दिन, तो उन्होंने कहा था कि सच लिस्टिंग्स मे नॉट ऑपरेट ऑन रियल पाई। यहाँ पे इन्होंने ट्वीट के अंदर जो मे नॉट लिखा था ना, ये बिल्कुल गलत चीज़ लिखी है। क्योंकि यहाँ पे ये इसका मतलब ये है कि सच भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मे लिखा हुआ है। अगर मे नॉट की जगह शुड नॉट, वुड नॉट, विल नॉट, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए होते ना, फिर ऐसा लगना था कि हाँ, ये रियल पाई के ऊपर ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मे नॉट बोलकर यहाँ पे थोड़ी पॉसिबिलिटी दे दी है कि शायद ये रियल पाई के ऊपर भी ट्रेड होगा। तो मैंने देखा कि कहीं पे भी इसको लेकर पूरी क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया मैंने, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, हर एक चीज़ क्लियरली बताऊँगा। क्योंकि इससे पहले कॉइन मार्केट कैप ने भी कुछ नहीं बताया था, इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन आज के समय में देखें तो और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। तो ये वीडियो पाई नेटवर्क को लेकर होगा, इसके रोड मैप को लेकर होगा। वीडियो भी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे सारे अपडेट्स हम सबसे पहले डालते हैं। इवन ट्विटर के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम स्टार्टिंग कॉइन मार्केट कैप से ही करते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, $36 के आसपास। ऑल टाइम हाई देखते हैं तो ये लगभग $330 तक गया था। अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ें हैं, सबसे पहले तक हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वही इनकी रियल वेबसाइट खुलती है, जो कि पाई की है। ट्विटर खोले तो इनका रियल पाई का ट्विटर खुलता है। फेसबुक चेन एक्सप्लोरर की बात करें तो चेन एक्सप्लोरर भी इनका रियल खुलता है, जब blockexplorer.minepai.com। तो जनरली क्या होता है कि फेक बनाने के लिए या फिर फेक दिखाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे सारे रियल सोशल मीडिया हैंडल्स डाल दिए गए हैं, जो हम देख पा रहे हैं, जो कोई भी इस चीज़ को सेंस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 0 पाई, टोटल सप्लाई 0 पाई, मैक्सिमम सप्लाई फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप $0। अब चाहे इनकी वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो, $36, $100, $1,000 हो, तो यहाँ पे चाहे ग्राफ में भी दिख रहा है कि इसकी वैल्यू अप डाउन हो रही है। अगर हम पूरा एक साल का देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रेगुलरली यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आती रही हैं मार्केट में, यानी कि पाई की मार्केट में पूरी वॉलिटिलिटी भी रही है, लेकिन यहाँ पे फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप या फिर मार्केट कैप बिल्कुल जीरो दिखा रहे हैं। लेकिन वही अगर हम सिर्फ एक्सचेंजेस का डाटा देखिए तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम $1,44,000, बिटमार्ट के ऊपर $2,00,000 से भी ऊपर, बाइकॉनमी के ऊपर $40,000 से ऊपर, सुपर एक्स के ऊपर देखें तो लगभग $424। यानी कि हम एक चीज़ तो नोटिस कर पा रहे हैं कि जितनी भी लिक्विडिटी है ये सारी की सारी इन एक्सचेंजेस के ऊपर है। और इस चीज़ से यहाँ पे एक और क्लैरिटी मिल रही है कि बिटमार्ट ने ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन कहने का मतलब ये स्कैम शुरू किया। बिटमार्ट ने अपने ऊपर यहाँ पे लिस्ट किया और हॉबी ने भी लिस्ट कर दिया। अब यहाँ पे शायद इनको पैसे मिल रहे होंगे तो हॉबी ने भी लिस्ट कर दिया। लेकिन एक चीज़ बुरी है कि इन्होंने भी हॉबी एक्सचेंज के ऊपर भी इन्होंने पूरा डाटा क्या है कि रियल पाई नेटवर्क का डाला हुआ है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पाई अगर हम देखते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो यहाँ पे इन्होंने एटलीस्ट लिक्विडिटी हटा दी है। लिक्विडिटी नहीं, यानी कि मार्केट कैप हटा दिया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे अगर हम मार्केट देखते हैं वो तो दिख रहे हैं, न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ के साथ कोई भी रिलेटेड पाई की न्यूज़ यहाँ पे नहीं आती है। वरना क्या होता है कि कोई भी कॉइन होता है उसको रिलेटेड कोई भी न्यूज़ कहीं से भी आती है तो यहाँ पे दिखती ही दिखती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली वो ये, अकॉर्डिंग टू वीएन एक्सप्रेस, वियतनाम्स मिनिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड हाई टेक क्राइम प्रिवेंशन लॉन्च्ड एंड इन्वेस्टिगेशन टू पाई नेटवर्क। यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इसी के साथ इन्होंने देखा कि मेननेट से पहले ये अपना पाई जो कॉइन है उसको लिस्ट नहीं करने वाले। जो भी प्राइस यहाँ पे लिस्टेड है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया कि जो भी प्राइस यहाँ पे दिख रहा है $36 का, ये सिर्फ एक वैल्यू IOU की। अब IOU का आपको और थोड़ा क्लियर बताऊंगा। और एंड इसी के साथ ये भी बोला, इट मे नॉट बी ट्रांसफरेबल अक्रॉस एक्सचेंज। सबसे पहले तो IOU को समझ लेते हैं। IOU मतलब IOU,
इसका चाहे यहाँ पे हम डीप मीनिंग में ना जाएं, जनरली तो यही मतलब होता है कि मैंने आपका कुछ देना है या फिर हमारा लेन देन बाकी है, ठीक है। अब इसका मतलब अगर एक्सचेंज के हिसाब से देखें तो वो ये हो सकता है कि एक एक्सचेंज के ऊपर अगर आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल हॉबी एक्सचेंज के ऊपर गए, तो यहाँ पे आपने पाई बाय किया तो यहीं पे सेल करना पड़ेगा। यानी कि एसटीएक्स के ऊपर भी, हॉबी के ऊपर भी अगर आप बाय सेल करते हैं तो वहाँ आईओयू के भरोसे ही आप करते हैं, यानी कि आपने बाय किया उसके बाद सेल भी यहीं पे होगा। अगली चीज़ यहाँ पे क्या लिखी हुई थी, इट मे नॉट बी ट्रांसफरेबल अक्रॉस एक्सचेंजेस, क्योंकि एक्चुअल में जो पाई कॉइन है वो सिर्फ पाई नेटवर्क के ऊपर ही आने वाला है, यानी कि पाई का जो खुद का एक्सप्लोरर है उसके ऊपर ही इसकी डिटेल्स दिखने वाली हैं, इनके खुद के ब्लॉकचेन के ऊपर ही आएगा, जिस कारण ये ब्लॉकचेन ना होने की वजह से या फिर किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय ना किए जाने की वजह से ये एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज तक या फिर उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इसी से काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल जाती है कि ये रियल पाई नहीं है। अब आगे चलते हैं ब्लॉक एक्सप्लोरर के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे जितने भी आपको ट्रांजैक्शंस दिख रही हैं, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पाई की ट्रांजैक्शंस दिख रही हैं। यहाँ पे अगर दिख रहा है पे 0.1 टेस्ट, 3.14 टेस्ट पाई, तो यहाँ पे हर एक पाई के साथ टेस्ट 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 ज़रूर लगा हुआ है। अगर ये किसी एक ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक भी कर देते हैं तो यहाँ पे एसेट में क्या लिखा हुआ है, टेस्ट पाई, यानी कि सारी की सारी टेस्ट पाईज ही हैं। और इनका चाहे बैलेंस कितना भी दिखाया जा रहा हो लेकिन इसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसकी कोई डॉलर्स में वैल्यू नहीं है, या फिर हम इसको रियल मनी बिल्कुल भी अभी नहीं बोल सकते, ये सिर्फ टेस्ट नेट के लिए बना हुआ है। जैसे कि वजीरेक्स का शार्डम है, शार्डम के ऊपर एसएचएम है, वो सारे के सारे टेस्ट नेट वाले कॉइन है, ये भी सारे टेस्ट नेट कॉइन है, और मेननेट जब तक नहीं आएगा तो ये मेननेट वाले कॉइन नहीं होंगे। और हाँ, जो आपके पास कॉइन पड़े हैं वो मेननेट में कन्वर्ट हो जाएंगे आने वाले समय में। अब यहाँ पे चलते हैं हम इनके ट्वीट के ऊपर थोड़ी और क्लैरिटी लेने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताया था कि इन्होंने क्या लिखा, सच लिस्टिंग्स मे नॉट ऑपरेट ऑन रियल पाई। अब यहाँ पे दो मतलब बनते हैं। सबसे पहला मतलब तो ये है कि आज नहीं तो कल ही हो सकता है कि यही पाई इनके रियल पाई नेटवर्क के ऊपर ऑपरेट करे, यहाँ पे एक तो ये क्लैरिटी मिल रही है। दूसरा मतलब ये भी बनता है कि शायद यही रियल पाई है लेकिन पाई नेटवर्क इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सीधा सीधा ये भी बोल सकते थे कि हमारा इस पाई के साथ कोई लेना देना नहीं है और ये लिस्ट नहीं होगा, लेकिन इन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के बोला कि सच लिस्टिंग में नॉट ऑपरेट ऑन रियल पाई, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि शायद आने वाले समय में यही कॉइन पाई नेटवर्क के ऊपर आएगा, जिस कारण बहुत लोगों ने ये भी माना हुआ है कि यही पाई है और इसको ट्रेड करेंगे, इसी को बाय करेंगे, जिस कारण बहुत लोगों का लॉस भी हुआ है कि उन्होंने शायद $300 के आसपास कॉइन ले लिया, सोचा कि अब फिर से $1000 भी जाएगा, कम्युनिटी बढ़ी है, लेकिन वो कभी भी सच नहीं हुआ। अब एक और चीज़ आपने ध्यान देना है कि आज का ये जो वीडियो या फिर काफ़ी सारे वीडियोज़ होंगे आपके ट्वीट के नीचे, किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट करते हो, आपको कमेंट्स में काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स मिलेंगे जिसमें लिखा होगा कि हम पाई लेने के लिए तैयार हैं इतने रुपए में, इतने डॉलर में, तो आपने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा के लिए वो सारे के सारे स्कैमर्स ही रहने वाले, आपको पैसा तो क्या ही मिलना, उल्टा आपका ही लॉस हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने जो बात करी, सारे ये मिथ ब्रेक करने की बात करी कि एक्चुअल पाई है या नहीं पाई है। अब हम बात करेंगे रोड मैप के बारे में। रोड मैप को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि पाई नेटवर्क का जो अपना इकोसिस्टम वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसे कि पाई चैट्स इनका है, यानी कि आप डायरेक्टली चैट कर पाएंगे। ये बिल्कुल सिमिलर लग रहा है जैसे कि हमारे इंडिया का पुश नेटवर्क है, तो पुश के ऊपर क्या कि पुश के ऊपर भी ऐसे चैट्स पॉसिबल हैं, इवन वीडियो कॉल्स भी पॉसिबल हैं अभी तो। सिमिलरली इन्होंने डायरेक्ट मैसेजेस अभी उपलब्ध करवा दिए अपने पाई के ऊपर। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, आपने अपने पाई नेटवर्क की चेकलिस्ट को चेक करने की क्या आपके जो पाई है वो ट्रांसफरेबल है या नहीं जब भी मेननेट की माइग्रेशन शुरू होगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपका KYC होना ज़रूरी है। आपने अपने ऐप खोली और उसके ऊपर मेननेट इन्फो के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने बैलेंस डैशबोर्ड में जाना है और मेननेट चेकलिस्ट चेक करनी है। यहाँ पे सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए। अगर ये कंप्लीट नहीं है तो आपके जितने भी पाईज पड़े हैं तो वो पाइज मेननेट में कन्वर्ट नहीं होंगे। कन्वर्ट नहीं होंगे तो आप कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर पाओगे, सेंड नहीं कर पाओगे, रिसीव नहीं कर पाओगे, तो आपका लॉस हो सकता है। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि KYC कर लो, क्योंकि KYC करने पर ही आप माइग्रेट कर पाओगे। आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे फेक कॉइन लिस्ट हुआ तो कितनी ऊपर वैल्यू गई, $300-350 तक गई। सिमिलरली अगर रियल कॉइन जब लिस्ट होगा तो इसकी वैल्यू तब देखना कितनी ज़्यादा ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। हालांकि ये कम्युनिटी को अभी तड़फा रहे हैं, तरसा रहे हैं, बार बार यही बोल गए कि आने वाले समय में ये होगा वो होगा, जो कि इनको बहुत जल्द पहले कर देना चाहिए था, लेकिन एनी हाउ हमें ये अभी जो इनका रोड मैप है उसी के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। अभी हम मेन वेबसाइट के ऊपर आए तो यहाँ पर इन्होंने रोड मैप दिया हुआ है। ये रोड मैप डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं यहाँ पे इन्होंने क्या बोला
यहाँ पे इन्होंने पास्ट एंड करंट माइलस्टोन्स का बताया हुआ है, यानी कि पहले जो था, जो पहले आप अभी तक का रोडमैप था वो था V1 और V2 रोडमैप, ये फ्यूचर प्लान्स बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला, पाई नेटवर्क के 3 फेज है रोडमैप के, तो तीनों को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया। तो यहाँ पे एनक्लोज्ड मेनेट करंट है एंड ओपन मेनेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 में ये शुरू किया गया था, फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पाई डे आया, मार्च 14 को ये पाई डे मानकर चलते हैं जो कि 2019 से सेट हुआ था, फिर मार्च 14, 2020 को फिर टेस्ट नेट इन्होंने लाइव किया, फिर जो मेनेट है फेज 3 एनक्लोज्ड। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अभी तक मेनेट लॉन्च होना बाकी है, मेनेट लॉन्च इन्होंने करते करते पहले दिसंबर 2021 में बात करी थी कि ये होगा, फिर KYC की बात करी कि KYC करनी ज़रूरी है, माइग्रेट होगा, माइग्रेट होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो एनक्लोज्ड मेनेट है, एनक्लोज्ड मेनेट अभी चल रहा है और इसके बाद क्या कि ओपन मेनेट आएगा, तो फेज 3 ओपन जो होगा वो हम कुछ भी बोल सकते हैं, हो सकता है 1 साल और ऐसे इसे निकाल लें या फिर 2024 की स्टार्टिंग तक ये लॉन्च भी कर दें। तो यहाँ पे क्या है कि अपना फायरवॉल जो है रिमूव कर देंगे और एक्सटर्नल कनेक्टिविटी के लिए रेडी हो जाएगा, जितने भी कॉइन्स हैं वो एक्सटर्नली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे, आप इनको ट्रेड भी कर पाएंगे। अभी अगर हम इनके ऐप्स की बात करें तो इनके पास माइनिंग ऐप्स है, पाई चैट है, फायरसाइड फोरम है यानी कि जिसके ऊपर डिस्कशन होती है, ब्रेनस्टॉर्म यानी कि इसके ऊपर वंस अगेन हम बोल सकते हैं कि डेवलपर्स डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर क्या प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स में इनके पास पाई ब्राउजर है, एक सिस्टम इंटरफेस यानी कि ये तो जनरली एक इंटरफेस हो गया, पाई नेट है, इसी के साथ डेवलपर प्लेटफॉर्म एंड टूल्स है ताकि डेवलपर्स यूज़ करके पाई नेटवर्क के ऊपर और भी ज़्यादा एप्स टिप बिल्ड कर पाएँ या फिर डैप्स बिल्ड कर पाएँ। ब्लॉकचेन एसेंशियल इनके खुद की ब्लॉकचेन है, नॉड्स हैं, KYC कर रहे हैं यानी कि डाटा तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, टोकन मॉडल है, माइनिंग मैकेनिज्म, पाई वॉलेट, ब्लॉक एक्सप्लोरर, तो एक्चुअल में काफ़ी सारा इनके पास एक इकोसिस्टम बिल्ड हो चुका है। वंस अगेन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हिस्टोरिकल माइलस्टोन यानी कि अभी तक जो था वो हिस्टोरिकल माइलस्टोन में आएगा, इन प्रोग्रेस माइलस्टोन में देखें तो उसमें आगे आने वाले समय का जो पाई नेटवर्क का होगा, मेनेट होगा, मेनेट जो लॉन्च होगा, ओपन मेनेट होगा, वो डिस्कस किया जाएगा। तो अभी तक का जो मेनेट है वो सिर्फ एनक्लोज्ड मेनेट तक ही है, तो यहाँ पे डिस्कस करने का भी कोई फायदा नहीं, जो मैंने आपको यहाँ से ऊपर से बताया वही सिर्फ काम का है, या फिर आप खुद इस मेनेट को या फिर इस रोड मैप को खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करो, आप अपना जो यूज़र नेम है वो लीव करना चाहते हैं माइनिंग का नीचे लीव कर दो, कोई भी हो सकता है कि आपका यूज़र नेम यूज़ करके माइन कर पाए, और आपने कितने माइन किए हैं पाई अभी तक नीचे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अब इसके बाद क्या है कि स्पीड और भी ज़्यादा कम होने वाली है माइनिंग की। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। धन्यवाद।